हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा बटन, उसके बराबर में ज़रा इधर देखें, हाँ यही जो रेड में सर्कल हुआ है, इसे दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। सो गाइस, आज की वीडियो किस पे होगी? जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो होगी रिव्यू पे। कौन सा रिव्यू और कैसा रिव्यू, आप लोग यही पूछ रहे होंगे। तो ये रिव्यू होगा मिल्क एंड हनी गोल्ड शुगर स्क्रब पर। सो गाइस, आपको ज़्यादा वक्त नहीं निकालते तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर देगा मेरा चैनल। और पूरी वीडियो में मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊँगा, वो पूरी देखेगा। सो लेट्स स्टार्ट। Hi friends, how are you? I hope you are enjoying the nice rainfall today in Delhi. आज हम बात करने जा रहे हैं हम सबके फेवरेट प्रोडक्ट मिल्क एंड हनी गोल्ड स्मूदिंग शुगर स्क्रब, जो कि एक बहुत ही लग्जूरियस स्क्रब है जिसमें है ऑर्गेनिकली सोर्स्ड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिल्क एंड हनी, और जो कि बिल्कुल नेचुरल ओरिजिन से है। एक ऐसा एक्सफोलियंट जो ना ही सिर्फ आपके डेड स्किन सेल को बफिंग करता है, बल्कि आपकी स्किन को इतना सॉफ्ट, सफल और नाइसली फ्रेग्रेंट छोड़ता है। वीक में 2 से 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही जेंटली आपके हैंड्स को, आपकी बॉडी को स्क्रब करने के ये काम आता है। इनफैक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आइडियल है हमारे इस समर सीजन में, मॉनसून सीजन के लिए। एक ऐसा प्रोडक्ट क्योंकि समर में और मॉनसून में डेड स्किन ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, एयर इज़ हेवियर, सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे डेड सेल्स ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी पे, स्पेशली नेक एरिया में, हैंड्स पे, आर्म्स पे टैनिंग भी हो जाती है, तो क्यों ना हम आज देखें इसका रिजल्ट क्या है। जैसे ही हम इसको गीले पानी के हाथ के साथ इसको स्प्रेड करते हैं, आप देखेंगे इसके शुगर ग्रैन्यूल्स मेल्ट होने लगते हैं और थोड़ा सा ये लादरिंग भी करता है, हल्की हल्की झाग छोड़ता है। आई एम यूजिंग जस्ट अ बिट, पूरी बॉडी के लिए आप 1 टीस्पून ले सकते हैं, एंड आई एम यूजिंग जस्ट 1/3 टीस्पून ऑन द होल हैंड एंड हर आर्म। तो क्या फ़ायदा होने वाला है ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करके? हमारा स्किन बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ एंड साथ साथ रिफ्रेश फील करेंगे, बिकॉज इसके ग्रैन्यूल्स आपको देते हैं माइल्ड एक्यूप्रेशर ऑन योर बॉडी जब आप इसके साथ बाथ लेते हैं। एवरी टाइम यू यूज दिस यू विल सी दैट न्यू स्किन इज कमिंग हियर। एंड इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि हमें इसको यूज करने के बाद हमारी टैनिंग ही नहीं दूर हुई, बल्कि हमारे कुछ जैसे डेड स्किन की वजह से मार्क्स होते हैं, बर्न मार्क्स होते हैं, वो भी लाइटन हो जाते हैं। दो कंपनी भी क्लेम नहीं करती एंड मेरे पास भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। हमारी मॉडल धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं, एंजॉयिंग द मसाज, एंड आप देखोगे कि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत एरिया इसका कवर हो सकता है। सर्कुलर मोशन में करते जाइए एंड इट विल बी वेरी स्मूदनिंग। धीरे धीरे ग्रैन्यूल्स मेल्ट हो गए हैं और अब हम इसको वॉश करके देखते हैं हमारे स्क्रब का रिजल्ट कैसा आया है एंड हमारी मॉडल क्या फील कर रही हैं, कैसे लग रहे हैं आफ्टर दिस होल थिंग। क्यों ना हम इसको वाइप करके आपको दिखाएं दोनों तरफ क्या डिफरेंस है। हाउ डू यू फील? इट्स गुड। ओके, माय हैंड इज मच मोर फेयरर। हाँ, अब ऐसे ही छोड़ दें आपके दोनों हाथ अलग अलग। नहीं, हम आपको अभी दूसरे हाथ पे भी जरूर स्क्रब करेंगे। बट यस, हमारे व्यूअर्स, आई होप यू कैन सी द डिफरेंस कैसे डेड स्किन और कैसे टैनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है दोनों हाथों में। सो एंजॉय दिस प्रोडक्ट। सो आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा नहीं भी लगे फिर भी सब्सक्राइब कर दें। तो आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।